नमस्कार, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के इस प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत है। मैं पीसी सिंह और मेरे साथ हैं सिंधु कुमार झा, और आज हम बात करेंगे सरकार के उस निर्णय के बारे में जिसके तहत 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिया गया है। कहा यह गया है कि मई से होने वाली CBSE के एग्ज़ाम के लिए यह ज़रूरी था, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि देश में अभी भी कोरोना का कहर थमा नहीं है। आज ही मैंने BBC के एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि इंग्लैंड में एक नए तरह की बीमारी फिर से फैल गई है, और देश के ही बारे में कई जगह की इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो कौन इसके लिए जिम्मेवार होगा अगर फिर कहीं सेकंड वेव यहाँ से शुरू हो जाता है? तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही इस तरह का निर्णय है जिसके ऊपर हमको गंभीर चिंता करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि सिंधु कुमार झा से इसके ऊपर बातचीत करें, और इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे और इससे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर हम आज बात करने का कोशिश करेंगे कि क्या ये सरकारी निर्णय ये आवश्यक था, क्या ये निर्णय इससे आप सहमति रखते हैं, क्या सरकार के सामने क्या कंपल्सन था कि इसको इतना बड़ा रिस्क लिया गया है, बच्चों को स्कूल आने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि बच्चे जब आएंगे आप कितना भी उसके ऊपर आप पाबंदी लगाएं, एक 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 टाइम आता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनको वो उस तरह के नियम और कानून और कायदा को रोक के रखना। तो इस मुद्दे पर सबसे पहले मैं झा सर से पूछना चाहूँगा कि क्या, और मैं झा सर से को इसलिए इसमें शामिल करने का हम लोगों ने फैसला किया है कि इनकी पूरी जिंदगी रिपोर्टिंग में गुजरी है। मैं समझता हूँ कि NCR के अंदर कोई भी ऐसा स्कूल शायद ही होगा जिसकी चौहद्दी इनको पता नहीं है, और जो रिपोर्टर होता है वो हम सब जानते हैं। मैं मेरे बगल में बैठते हैं, मुझे देखता हूं इनको कि निविदा संबंधी सूचना से लेकर के और सरकार का क्या फैसला हुआ, एक एक चीज़ों पर इनकी पैनी नज़र रहती है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है जबकि इस बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर सिंधु झा से बातचीत किया जाए। तो पहला सवाल मेरा वही है कि क्या आपको लगता है कि ये जो सरकारी निर्णय है ये तर्कसंगत लगता है आपको? देखिए, इसमें सबसे पहले दो तीन जो एलिमेंट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसको भी हमको समझना चाहिए। इसमें सोशल एस्पेक्ट्स भी है, इसमें इकोनॉमिक्स है, और कुछ कुछ इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी है। इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे तब चीज़ों को समझने में हमें ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका इकोनॉमिक्स को अगर देखेंगे तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। इसमें नो डाउट उनके ऊपर बहुत दबाव है, और गवर्नमेंट का भी एक दबाव है कि भाई आप स्कूल खोलिए, और ख़ास करके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका ये ज़्यादा ही प्रेशर है। गवर्नमेंट के स्कूल में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें ये है कि एक एक क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स में जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो तो अपनी अलग अलग सेक्शंस में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम चीज़ें जो है सैनिटाइज करने का या जो भी कोरोना से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं उसको करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के स्कूल्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत ही भयावह है। एक एक क्लास के अंदर एक एक सेक्शन में 70-80 बच्चे हैं, उनमें सोशल डिस्टेंस कैसे करेंगे ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। दूसरी बात ये है कि जो अगर आप पेरेंट्स से बात करें, बच्चों के पेरेंट्स से, तो उनको ये लगता है कि मान लीजिए स्कूल में पब्लिक स्कूल के पास फैसिलिटीज़ है वो आपको मेंटेन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हो, हाथ सैनिटाइज कैसे करेंगे, गाइडलाइंस है, वो सारा उस पर ध्यान रखते हैं। लेकिन जो बच्चे बस में जाते हैं या जो बच्चे वैन से जाते हैं वहाँ वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, जो प्राइवेट जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं। तीसरी बात एक इसमें ये माफ कीजिएगा, एक जो आपने जो पेरेंट्स की बात की चर्चा करी उसी संदर्भ में एक चीज़ के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे द प्रिंट पर, जिसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट आया है, और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का जो रिपोर्ट है, जो रिसर्च किया गया है, वो पेरेंट्स का स्टडी किया गया है 5 स्टेट के पेरेंट्स का, और उसमें कहा गया कि पेरेंट्स चाहते हैं कि अब उनके बच्चे स्कूल से जाएं, ये जेकर के आश्चर्य लगता है। मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अप्लाइड साइंसेज है, देश का बहुत ही महत्वपूर्ण मेंटल हेल्थ के को लेकर है, यहाँ सादरे में है और भी देश के कई जगह है, क्योंकि यहाँ के एक निमेश देसाई है जो डायरेक्टर, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही, जो बच्चों में जो है ना बिहेवियरल पैटर्न जो है ये भी आपको कोरोना के पीरियड में अब बदला हुआ नजर आएगा। अब वो जो बच्चे जब स्कूल आएंगे तब वो ऐसे नहीं रहेंगे जो पहले जिस तरह से आते थे, उनके अंदर में एक प्रकार का एक फियर साइकोसिस आ गया है। दूसरी बात ये है कि ये जो बिहेवियरल पैटर्न है
आप अचानक उनको फिर से नॉर्मल तरीके से जैसे क्लास लेने लगे, वो करने लगी, तो वो इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको घर में लिखने की आदत उनकी ख़त्म हो गई है। इस ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज़्यादा जो हुआ है, परेशानी जो हुई है पेरेंट्स को, ये कि उनके बच्चे जो है लिखने से अब बहुत कतराने लगे हैं। तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे समझना होगा, उनको धीरे धीरे फिर उसी पैटर्न में लाने में आपको टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें अभी नॉर्मल नहीं है, खोल भी दीजिएगा लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल होने में अभी समय लगेगा। आपको नहीं लगता कि जो ये जो हम लोग जो वर्चुअल क्लासेस ले रहे थे, हम लोग भी वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है, आपने देखा होगा, उस पर भी कई रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ कि इसके भी अपने जो कंपल मैंने कहीं कहीं इसके जो वीकनेसेज हैं, लिमिटेशंस हैं, कई तरह का डिजिटल डिवाइड है। एक्चुअली ये जो ऑनलाइन क्लास है ये पूरी तरह से कम्प्लीट एजुकेशन नहीं है, ये साफ लग गया है। हम लोग भी एक टीचर इस चीज़ को फील करते हैं, इतना रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्लास में है भी कि नहीं है ये भी हमें नहीं पता है, वो नोट कर रहा है कि कहीं घूमने गया है ये भी हमें नहीं पता है। तो इसकी अपनी एक लिमिटेशंस है ऑनलाइन क्लासेस की, जो ऑफलाइन क्लासेस में आप देखते हैं और सब कुछ देखते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है क्लास के अंदर में, वो एक कम्प्लीट वहाँ पर इम्पार्ट हम करते हैं जो चीज़ जो भी बताते हैं, तो ऑलमोस्ट हमको लगता है परसेंटेज जो है वहाँ पर टेकर्स जो का वो ज़्यादा होता है, लेकिन ऑनलाइन में कितना लोग टेकर्स है ये हमें नहीं पता चलता है, कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है ये भी हमें पता नहीं चलता है। और उसके बाद नेटवर्क की अपनी सीमाएँ हैं, कभी नेट नहीं चल रहा है, कभी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया, तो तमाम चीज़ें हैं। तो इसीलिए एक तरह से देखिए पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव ये डाल दिया है कि अब इसको पटरी पर लाने में टाइम लगा। और एक चीज़ और, मैंने एक रिपोर्ट देखा है कि इस पीरियड में जो खास करके मार्जिनल लोग हैं उनके यहाँ न्यूट्रिशन की बहुत कमी देखी गई है, क्योंकि जो बच्चे मिड डे स्कीम की तरह, मैं एक बिहार की खबर पढ़ रहा था, उसमें दिया था कि बिहार में बहुत सारे बच्चे जो हैं माल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुके हैं, इसलिए इस पूरे कोरोना के दौरान उनके स्कूल्स बंद रहे जिसके कारण उनको अच्छा खाना नहीं मिला। ये भी चैलेंज है सरकार के पास। अच्छा, एक एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सारे स्कूल को छोड़ दिया गया, सबसे प्रेशर तो इकोनॉमी का है, पूरी दुनिया, मतलब हम दुनिया की बात छोड़िए, हमारे देश में 2 साल से हम लोग रिसेशन के फेज में चल रहे हैं, और ये जो इकोनॉमी ट्रबल है ये सबको प्रभावित कर रहा है, और स्कूल भी इससे अलग नहीं है। तो इट इज़ कंपल्सन ऑफ टाइम जो सरकार ने सिर्फ स्कूल ही नहीं बाकी चीज़ों को भी खोलने का प्रयास किया रहा, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन इससे जो जुड़ी हुई जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है इसके और आपका मैं ध्यान दिलवाने का कोशिश करूंगा। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने राइट फ्रॉम रूसो से लेकर के इवान इलिच, हम लोग को पढ़ाया जाता था एमए में, डी स्कूलिंग सोसाइटी, हम लोग पॉल फेरेरे को पढ़ाते हैं अपने क्लास में, हम लोग पेडागोजी ऑफ द ऑपरेस्ट को पढ़ाते हैं, हम लोग अभी नोवा हरारी को पढ़ा रहे हैं। ये सारे लोग जो लिमिटेशन है हमारे स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन इतने के बावजूद भी जो लिमिटेशंस को लोगों ने अंडरलाइन किया है, लेकिन आज भी स्कूल का कोई विकल्प बन के तैयार नहीं हो पाया। अल्टीमेटली जिस चीज़ की पढ़ाई की आप बात कर रहे हैं, और अल्टीमेटली स्कूल का जो विकल्प आज तक नहीं बन पाया, तो फिर बच्चे जाएं कहाँ से? स्कूल खाली पढ़ाई के लिए नहीं है, स्कूल, अब मैं बता रहा हूँ आपको इस बात को, आप बच्चे से पूछे, मैं अपने बच्चों से पूछ रहा था कि भाई तुमको कॉलेज आने का, सर मेरा तो पूरा कॉलेज लाइफ खत्म हो गया। तो इस बात की ओर मैं आप नहीं, बच्चों का भी इंटरव्यू आ रहा है, बच्चों का इंटरव्यू ये आ रहा है कि भाई हमें स्कूल जाना चाहिए, हमें स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा है, ये बच्चे भी कह रहे हैं। और इसलिए भी कह रहे हैं कि वो चीज़, हर चीज़ आप सुबह से लेकर शाम तक घर में क्या करेंगे बच्चे? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये ऑलराउंड, उनका ऑलराउंड जो डेवलपमेंट आप कहते हैं, चौतरफा विकास उनके पूरे व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का जो विकास है, वो तो स्कूल में ही होता है, क्योंकि आप एक क्वालिटी टाइम जो है स्कूल में बिताते हैं बच्चे, पढ़ाई से लेकर वहाँ पर खेल कूद, डिबेट, एक्स्ट्रा करिकुलर, तमाम चीज़ें हैं, और बाहरी दुनिया से उनका एक्सपोजर ये भी तो होता है। स्कूल में तरह तरह के बच्चे भी आते हैं, जगह जगह अलग अलग बैकग्राउंड के, तो उनका एक इंटरेक्शन होता है, लेकिन वो चीज़ उनको घर पर नहीं मिल रहा है, बच्चे इरीटेट हो गए हैं। ये बंदे जो एक साल रहे हैं, मैं ये बताता हूँ, इनमें भी वो जो निमेश देसाई की बात मैं कह रहा था, बच्चे इरीटेट हो रहे हैं, उनमें लिखने का जो कैपेसिटी है वो कम हो गया है, और पढ़ने का, ये कंप्यूटर ये मोबाइल, इस पर उन्होंने किया था, उनके एडवर्स उनके हेल्थ पर भी पड़ा है इस एक साल के दौरान। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत स्कूल को बड़ा पेशेंस के साथ बोला है, जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, मैक्स के एक साइकोलॉजिस्ट थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने भी कहा है कि उनके साथ बड़ा, आपको बड़ा कूली पेश आना होगा, जो बच्चे अब स्कूल आएंगे
खास करके जो प्राइमरी के बच्चे हैं, ये सब जितने हैं उनके साथ बड़ा आपको पेशेंस के साथ उनको डील करना होगा, क्योंकि वो बच्चे अब पटरी से उतर चुके हैं, उनको पटरी पर लाने के लिए लेकिन आपको टाइम लगेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है ये स्कूल के सामने, ये जो है ये मिलियन डॉलर क्वेश्चंस है, जो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी जो एजुकेशन को इस बार जो गवर्नमेंट ने भी 2% किया है आपके एजुकेशन का जो बजट है, तो ये सब तमाम चीजें हैं कि इसको देखना पड़ेगा। लेकिन कि आप एक चीज जो है जो सबसे जो रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में चर्चा कई जगह मैंने दुनिया के बाकी देशों में भी स्कूल को खोला गया, फिर केसेज आ गए, फिर से उसको बंद कर दिया गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर स्कूल खोलने का फैसला किया गया बॉम्बे में हुआ है, बॉम्बे में और फिर से इस तरह का केसेस शुरू हो गया, गुड़गांव में हुआ था, अगर इस तरह का केसेस हो गया और कौन गारंटी के साथ कर सकता है। कल ही तो हम लोग के यूनिवर्सिटी के ग्रुप में एक किसी ने मैसेज भेजा, उसमें एक डॉक्टर अपील कर रहा है कि आप ये मत समझिए कि सेकेंड वेव हिंदुस्तान में नहीं आएगा। अगर इस तरह की बात कोई कल घटना घटती है तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है देश के सामने, ये इतना बड़ा सवाल है, हम लोग को इसके ऊपर भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और इसके पता नहीं सरकार ने सरकार ने सोचा होगा। आप जो कह रहे हैं ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि यही चीज पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं, कि अगर हमारा बच्चा कहीं जा रहा है किसी स्कूल में तो वहां पर जो सपोर्ट स्टाफ है वो कितना कॉन्शस है। जो सपोर्ट स्टाफ का मतलब है कि उसमें गार्डनर भी होता है, उसमें ड्राइवर भी होता है, उसमें बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ होते हैं स्कूल्स में, जिनके मान लीजिए टीचर्स को तो बताया गया है कि कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे बच्चों को एडवाइस करना है, लेकिन अगर जो सपोर्ट स्टाफ है उसको तो नहीं है, वो तो क्लास के बाहर है, उससे इंटरेक्शन बच्चों का अगर होता है, अगर उससे इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए भी कैसे आप उसको रोकें। ये ऐसी तमाम चीज़ें जो ऐसी बीमारी है कि मैं आपका ध्यान आपने भी जरूर देखा होगा, एक बार एक NDTV के ऊपर एक प्रोग्राम हो रहा था और प्रणय रॉय WHO के एक बड़े अधिकारी का वो इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि आज देश का और दुनिया का इकोनॉमी का भविष्य क्या होने वाला है, और दबी जबान में कह रहा हूँ कि ये WHO के अधिकारी तो हैं लेकिन कोरोना का क्या होगा, कोरोना कब खत्म होगा, कब ये सेकेंड वेव, कब कहाँ से फिर बीमारी शुरू हो जाती है, इसके बारे में शायद कोई भी नहीं बता सकता है। और हम लोगों ने देखा, आप याद कीजिए कि जब शुरुआत हुई थी इस बीमारी की तो बड़े से बड़े लोग कहते थे कि नहीं, मास्क लगाना तो आपके लिए नहीं है, मास्क तो उसके लिए जरूरी है जो किसी पेशेंट का देखभाल कर रहा है, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनके लिए। लेकिन अचानक फिर एक इंक्लूडिंग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था और हम लोगों ने देखा इस बात को स्वीकार किया। इसलिए ये जरूरी है, इकोनॉमी का कंपल्सन तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इस बात को हम लोग सब जानते हैं और हम लोग इस बात को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क है, इस रिस्क को के बारे में सोच लेना और इसके बारे में कुछ नए स्ट्रेटजी के साथ आना, ये बड़ा गंभीर समस्या है। और इस पर कुछ इस तरह का जो ठोस कदम क्या उठाया गया है कि नहीं उठाया गया है, ये समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसमें देखिए मैं ये कहूँगा कि इसमें फेज वाइज ही करना बुलाना ज़्यादा हमको लगता है कि ये ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल भी है। आप एक साथ ही अगर सबको बुलाते हैं, सीनियर जूनियर सारे बच्चों को, तो उसमें समस्या हो सकती है। तो लेकिन कुछ पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं, इन लोगों का ये भी कहना है कि जब सेशन आपका ये जो है इसको नए सेशन से आप शुरू कर सकते हैं, या अप्रैल मई से ये समर वेकेशन होता है, इसके बाद से आप बुलाइए तो ज़्यादा अच्छा है। उससे पहले स्कूल का ये कंपल्सन है, या CBSE कह लीजिए, उनको एग्ज़ाम भी कंडक्ट करना है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये पब्लिक स्कूल का नहीं है, ये चैलेंज है गवर्नमेंट स्कूल का, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस देश में जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड है, और गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। दावे भले आप जो कर लीजिए गवर्नमेंट के, आपको पता ही है कि स्कूल में पीने का पानी साफ नहीं रहता है, गवर्नमेंट स्कूल में बैठने में, मैं आपको पहले ही बताया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है दिल्ली का, उसका मैं प्रिंसिपल का आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा, कोई बेला जैन है एक नॉर्थ दिल्ली में सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट का है, उन्होंने कहा है कि एक एक सेक्शन में 60-70 बच्चे, ये चैलेंज है। चलिए आज हमने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इससे जुड़े हुए कई पक्षों के बारे में बातचीत किया है। हम किसी और दिन मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।